आजकल ज्यादातर लोग महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म से वाकिफ हो गए हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए कई राज्यों की सरकार महिलाओं के इन दिनों में होने वाली समस्याओं को लेकर कई उपाय निकाल रही है। जैसे महीने में इन दिनों के दौरान स्कूलों में छुट्टियां, इसके साथ ही इन दिनों सबसे ज्यादा जरूरी होता है सैनिटरी पैड। ऐसे में बिहार सरकार ने महिलाओं की सुविधा के लिए एक काफी अच्छा कदम उठाया है। बिहार के 5131 स्कूलों में सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। ये मशीनें राज्य के मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में लगाई जाएगी। पहले चरण में 243 स्कूलों में इस वेंडिंग मशीन को लगाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले शहरी क्षेत्रों के स्कूलों का चयन हुआ है। इस वेंडिंग मशीन को महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से लगाया जाएगा। इसके साथ डिस्पोजल मशीन भी लगाया जाएगा। साथ ही निगम द्वारा हर स्कूल को 55,000 रुपए की राशि दी जाएगी। महावारी के वक्त सैनिटरी पैड आसानी से नहीं मिलने की वजह से कई छात्राएं स्कूल नहीं आ पाती हैं। इस दौरान स्कूल आने के बाद भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के 5131 स्कूलों में सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगाने का फैसला किया गया है। महिला एवं बाल विकास निगम के छात्राओं को जागरूक करने के लिए चीफ मास्टर ट्रेनर तैयार कर लिया है। ये ट्रेनर छात्राओं को महावारी और स्वच्छता पर जागरूक करेगी। इसके लिए सभी 30 जिलों के स्वास्थ्य विभाग से 67 कर्मी शामिल होंगे। प्रशिक्षण के बाद सभी अपने अपने जिलों की महिला कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिलाओं के पीरियड को लेकर कई राज्य की सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। कई बार ऐसा होता है कि माहवारी के वक्त सैनिटरी पैड आसानी से नहीं मिलने की वजह से कई छात्राएं स्कूल नहीं आ पाती हैं। इस दौरान स्कूल आने के बाद भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के 5131 स्कूलों में सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगाने का फैसला किया गया है। ऐसा कई बार होता है कि माहवारी के दौरान लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, लेकिन अब स्कूल में इसकी व्यवस्था होने से लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने की संख्या में भी कमी होने की उम्मीद है। इसी को लेकर स्कूलों में सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है। मशीन लगने के बाद छात्राओं को काफी सुविधा होगी।